जाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। उसके साथ ही लाइक और शेयर कीजिए और अपने कमेंट से भी आगाह कीजिएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू निदास रेसिपीज फॉर बिगनर्स, माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह सबको अपनी ईमान में रखे। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आज हम बना रहे हैं पूरी। पूरी बनाने के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत है वो नोट कर लीजिए। मैदा लिया है मैंने 3 कप, इसको छान लिया है अच्छी तरह से। नॉर्मल आटा जो हमारे घरों में अक्सर यूज होता है, चक्की का आटा लिया है मैंने 1 कप। ऑयल 1 बड़ी चम्मच, नमक 1 छोटी चम्मच, आप इसे अपने हिसाब से कम ज्यादा भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैदे और आटे को गूंदने के लिए हमें नीम गर्म पानी चाहिए हस्बे जरूरत, और ऑयल चाहिए हमें पूरियों को फ्राई करने के लिए। चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ। सबसे पहले हम एक बॉल लेंगे, उसमें मैदा डालेंगे, फिर इसमें हम चक्की का आटा शामिल कर देंगे, इसके साथ ही नमक और ऑयल भी शामिल कर देंगे। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इन तमाम चीजों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब थोड़ा थोड़ा नीम गर्म पानी लेके हम इसे गूंद लेंगे। पूरियों के आटे को हमने अच्छी तरह से गूंद लिया है। ये देखिए, ना तो ये बहुत ज्यादा हार्ड है ना ही बहुत सॉफ्ट, नॉर्मल है ये। अब इसे हम ढक के तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। आधा घंटा हो चुका है, अब इसको हम सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद इसके हम बॉल्स बना लेंगे छोटे छोटे। सबसे पहले ऑयल से अपने हाथों को थोड़ा सा ग्रीस कर लें, आप इस तरह से छोटा सा पेड़ा लें। ये देखिए, इस तरह से बॉल्स बना लें। इसी तरह से हम बाकी के बॉल्स भी रेडी कर लेंगे। ये देखिए, बॉल्स हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब हम इन्हें बेल के पूरी तैयार कर लेंगे। ऑयल को हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। सबसे पहले हम स्लेब को अपनी ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, फिर एक बॉल लेंगे, उसको इस तरह से प्रेस कर लें। आप इसे चाहें तो बेल भी सकते हैं। ये देखिए, इसको हाथ से इस तरह से मैंने प्रेस कर लिया है। आप चाहें तो बेल भी सकते हैं। फिर इस तरह से उठा के हम इसे ऑयल में डाल देंगे। ऑयल बहुत गर्म होना चाहिए। ऑयल में डालने के बाद फौरन से आप इस तरह से इसको प्रेस कर दें। पूरी को हमें ज़्यादा देर तक नहीं पकाना, बस जस्ट चंद सेकंड के लिए पकाएंगे। आप इस तरह से ऑयल भी डाल सकते हैं इसके ऊपर। एक तरफ से हो गई, दूसरी तरफ से जस्ट चंद सेकंड के लिए। बस इतनी सी देर, अब इसे निकाल लेंगे हम। पूरी हमारी रेडी है। इसी तरह से हम बाकी की पूरियां तैयार कर लेंगे। एक और बना के दिखाती हूँ आपको। स्लेब को थोड़ी सी ऑयली कर लें, बॉल ले लें, इसको इस तरह से प्रेस करें। ये देखिए, पूरी को हमने प्रेस कर लिया है हाथों से। अब इसको इस तरह से उठाएंगे, ऐसे अपनी कढ़ाई में डाल देंगे और फौरन इसके ऊपर हम इस तरह से चम्मच रख देंगे। पूरी को हमें ज़्यादा देर तक नहीं पकाना, ये याद रखिएगा, नहीं तो आपकी पूरी बहुत कड़क हो जाएगी। बस अब इसको पलट दें। ये देखिए, पूरी रेडी है हमारी। बाजार जैसी सॉफ्ट सी पूरी हमारी रेडी है। इसे आप पूरी वाले चने के सालन, आलू की तरकारी और हलवे के साथ ले सकते हैं। ये यकीनन आपको बहुत पसंद आएंगी। इन तमाम चीज़ों की रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। आप मेरी ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।